दीपावली की तैयारियां जोरों पर, सजने लगी दुकानें, बिक रही हैं मिट्टी के दीपक, प्रतिमाएं और खिलौने। सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संस्थान के लिए पुलिस लाइन में सभा भवन बनाने का दिया आश्वासन। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, जैसलमेर शहरी क्षेत्र में खाद्य पदार्थों के लिए नमूने। नाज और डीएनपी समिति जैसलमेर द्वारा एसडीएम चौधरी को विदाई और आयुक्त सोढ़ा का अभिनंदन कार्यक्रम। ये थे अब तक की खास खबरें और आप देख रहे हैं डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज। मैं हूं योगिता सोनी और खबरें विस्तार से। दीपावली की तैयारियां जोरों पर, सजने लगी दुकानें, बिक रहे हैं मिट्टी के दीपक, प्रतिमाएं और खिलौने। जैसलमेर में शुक्रवार से शुरू होने वाले दीपावली के चार दिवसीय त्यौहार को लेकर कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में तैयारियां जोरों पर चल रही है। लोग अपने घरों की सफाई, रंगाई, पुताई कर आकर्षक रूप से सजावट में लगे हुए हैं। इसके अलावा दुकानदार अपने दुकानों में विक्रय के लिए नई नई सामग्री सजाकर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हुए हैं। जैसलमेर के सोनार दुग्र सहित सदर बाजार, गोपा चौक व हनुमान सर्किल सहित मुख्य बाजारों में फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोने चांदी, बर्तन, दुपहिया वाहन आदि की दुकानें सजने लगी है तथा होटलों पर भी आकर्षक रोशनी कर उन्हें सजाया गया है। दुकानदार व कंपनियां आकर्षक इनामी योजनाएं चलाकर अपने उत्पादों को बेचने का प्रयास कर रही हैं। यहां ग्राहकों की भी चहल पहल देखने को मिल रही है। सुरक्षा रहेगी चाक चौबंद, पुलिस की ओर से दीपावली के त्यौहार को देखते हुए गश्त बढ़ा दी गई है। थानाधिकारी माणकराम बिश्नोई ने बताया कि क्षेत्र में गश्त बढ़ाई गई है तथा प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि दीपावली के त्यौहार पर पूरी तरह से कानून व शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भीड़भाड़ भरे क्षेत्रों में सादे वस्त्रों में पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिसकर्मी राउंड द क्लॉक अलग अलग जगहों पर गश्त पर लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि कस्बे के भीड़भाड़ भरे स्थलों पर यातायात पुलिसकर्मी तैनात कर यातायात व्यवस्था सुचारू करने का कार्य भी किया जा रहा है। बिक रहे हैं मिट्टी के दीपक, प्रतिमाएं और खिलौने। स्थानीय कुंभकार समाज की ओर से लाल मिट्टी से दीपक, गणेश जी, लक्ष्मी, सरस्वती व अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं तथा मिट्टी के गुल्लक व खिलौने बनाए जाते हैं। कस्बे में आज भी मिट्टी के दीपक व आकर्षक प्रतिमाओं व मिट्टी से निर्मित अन्य आइटम की मांग के चलते कुम्हार समाज के लोग हाथ ठेलों पर इन वस्तुओं को भी सजाकर घूम घूम कर बेचने का कार्य करते हैं। कस्बे के मुख्य बाजारों, मुख्य मार्गों पर हाथ ठेलों पर सजे इस तरह के मिट्टी के हस्तनिर्मित दीपक, प्रतिमाएं व खिलौने भी स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं तथा लोग इनकी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दीपावली के त्यौहार को देखते हुए नगर परिषद की ओर से रोड लाइटों को दुरुस्त कर रोशनी व्यवस्था को सुधारने का कार्य किया गया है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी तौफिक अहमद ने बताया कि कस्बे के मुख्य मार्गों, गांधी चौक, स्टेशन रोड, बस स्टैंड पर लगी हाई मास्ट लाइटों के ठीक ठाक करवाकर रोशनी व्यवस्था को सुचारू किया गया है। इसके अलावा कस्बे के विभिन्न मोहल्लों में सफाई व्यवस्था की भी अतिरिक्त सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संस्थान के लिए पुलिस लाइन में सभा भवन बनाने का दिया आश्वासन। शहीद दिवस के अवसर पर सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण कर्मचारी संस्थान के पदाधिकारी व सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक जैसलमेर के आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर शोक सलामी के बाद शहीदों को पुष्पांजलि व श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा शहीदों की याद में वृक्षारोपण भी किया गया। पुलिस अधीक्षक ने इस अवसर पर सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों से बहुत ही पारिवारिक तरीके से बातचीत की और उनके परिवार के हालचाल जाने। इस अवसर पर सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी संस्थान के अध्यक्ष नारायण सिंह पाऊ ने पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध किया कि संस्था के सभा भवन हेतु उन्हें पुलिस लाइन में जमीन आवंटित की जाए। इस पर पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नाथावत ने आश्वासन दिया कि वह शीघ्र ही इस हेतु जमीन उपलब्ध करवा देंगे। सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया गया कि नगर परिषद जैसलमेर द्वारा सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी संस्थान कल्याण संस्थान के लिए सभा भवन बनाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों से एस्टीमेट तैयार करने की बात कही। इस मौके पर सेवानिवृत्त कर्मचारी संस्थान के सचिव पुरुषोत्तम पुरोहित, उपाध्यक्ष शिवलाल गर्ग, कल्याणकारी सदस्य मौसम अली, प्रगाराम, तेज सिंह, हेम सिंह, कस्तूर चंद, हसीना, डावरा राम, सिंधा राम, चंपालाल, टिकू राम, भगवान दास, बजरंगा राम सहित कई सेवानिवृत्त कर्मचारी मौजूद थे।
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, जैसलमेर शहरी क्षेत्र में खाद्य पदार्थों के लिए नमूने। जैसलमेर जिले में चल रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन व चिकित्सा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से खाद्य पदार्थों के नमूने लेने की कार्यवाही लगातार की जा रही। मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल बुनकर ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार जांगीर व प्रवीण चौधरी द्वारा अपमिश्रित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर नियंत्रण के लिए खाद्य पदार्थों के नमूने लेने की कार्रवाई की गई है। डॉक्टर बुनकर ने बताया कि जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा शुक्रवार को जैसलमेर शहरी क्षेत्र में मिक्स फ्रूट शेक, कलाकंद व मावा पेड़ा की कुल 3 नमूने लेकर जाँच हेतु भिजवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिन खाद्य कारोबारियों ने खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं ले रखा है व जिनका खाद्य अनुज्ञा पत्र अवधि पार हो चुका है, अविलंब अपना खाद्य अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर लें, अन्यथा उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल की जाएगी। नाज व डीएनपी समिति जैसलमेर द्वारा एसडीएम चौधरी को विदाई और आयुक्त सोढ़ा का अभिनंदन कार्यक्रम। सर्किट हाउस जैसलमेर में शुक्रवार को नवोदय एल्युमिनाई सोसाइटी व राष्ट्रीय मरु उद्यान संघर्ष एवं विकास समिति जैसलमेर द्वारा दौलत राम चौधरी उपखंड अधिकारी जैसलमेर का विदाई समारोह व नव नियुक्त लजपाल सिंह सोडा नगर परिषद आयुक्त और भवरलाल चौधरी ACF तथा जबर सिंह चौहान का स्वागत किया गया। इस दौरान सभी अधिकारी गणों को साफा पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर और राज्य पक्षी गोडावन का चित्र भेंट किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर वासुदेव गर्ग ने किया। कार्यक्रम में नाज अध्यक्ष जुगल सिंह सोडा ने अपना उद्बोधन देते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में पूर्व नाज अध्यक्ष कावरा राम बामणिया, उपाध्यक्ष गणपत लाल बोरावट, सचिव डॉक्टर वासुदेव गर्ग, CDPO चंद्रवीर सिंह, भोपाल सिंह, ज्ञान सिंह, रेहान खान, गेमरा राम, हजारी प्रसाद, सुरेंद्र गर्ग, महेंद्र गर्ग, जगदीश चौधरी, पूनम चंद मीना, जालम सिंह, मोहनलाल लीलड़ व कई नवोदय भाइयों ने भाग लेकर विदाई समारोह को यादगार बनाया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।